Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV ke Pakistan studio mein aapko kahenge khush aamdeed. कोई उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहां, आगे वो लोग आपके लिए हार लेके नहीं खड़े। जब तक इंशाल्लाह उनको आजादी नहीं मिलेगी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा सना कादिर, कौकब फारूकी, जुल्फिकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। Assalamualaikum, Tag TV के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। बरतानवी शाही जोड़ा 15 अक्टूबर को सदर और वजीर आजम से मुलाकात करेगा। मैंने एक डुमड़ी की भी करप्शन नहीं की, नवाज शरीफ। बरतानवी अदालत में बानी MQM की सख्त शराइत के साथ जमानत मंजूर। स्ट्रीट क्राइम के बाइस मेरी अज़दवाजी जिंदगी मुतासिर हुई, IG सिंध। पेशावर में अफगान कौंसिल खाना बंद कर दिया गया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वोट फॉर पीपल्स पार्टी ऑफ कैनेडा, ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड फ्रीडम। वी बिलीव इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। टेक ऑनरशिप ऑफ कैनेडा फॉर शेयर्ड वैल्यूज एंड ड्रीम्स। We are for giving immigrants the best chance to succeed in Canada. I am Tahir Gora, honored to represent Mississauga Malton riding for October 21st federal elections. Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian immigration officer and a senior case analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. Do it right. Are you tired of the same thing over and over again from the Liberals and Conservatives? They say anything to get elected. So how can you, as a voter, keep doing the same thing and expect different results? I'm Maxime Bernier. The People's Party of Canada will reduce immigration, lower your taxes, and fight political correctness. It's time for a change. On election day, try something new. Find out more at peoplespartyofcanada.ca. स्वामी काशी गुरु जी का कहना है कि वो आपकी तमाम समस्याओं का हल जानते हैं। स्वामी काशी गुरु जी इज अ स्पेशलिस्ट इन ब्रिंगिंग बैक योर लव्ड वंस। ही इज स्पेशलाइज्ड टू सॉर्ट आउट जनरेशन कर्सेस एंड एनी प्रॉब्लम विद इन 48 आवर्स। आपके डिप्रेशन, फैमिली, कोर्ट प्रॉब्लम्स और बेशुमार मसाइल के हल का दावा करते हैं। स्वामी काशी गुरु जी से राब्ता कीजिए 6477656311 6477656311 एड्रेस 565 मार्कम रोड, स्कारब्रो। बरतानवी शहजादा विलियम और उनकी अहलिया कैट मिडिलटन 14 अक्टूबर की रात 9 बजे अपने पहले दौरे पाकिस्तान पर इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानवी शहजादा विलियम और उनकी अहलिया कैट मिडिलटन 14 अक्टूबर की रात 9 बजे अपने पहले दौरे पाकिस्तान पर इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। ज़राए के मुताबिक बरतानवी शाही जोड़ा 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान से मुलाकातें करेगा। दौरे पाकिस्तान के दौरान शहजादा विलियम और शहजादी कैट मिडिलटन 15 अक्टूबर को एक स्कूल का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा शाही मेहमान इसी दिन एक खैराती इदारे के प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। शहजादा विलियम और कैट मिडिलटन 16 अक्टूबर को लाहौर जाएंगे। लाहौर में शाही मेहमान एक
एक SOS विलेज का भी दौरा करेंगे। बरतानवी शाही मेहमान लाहौर की तारीखी बादशाही मस्जिद का भी दौरा करेंगे। दौरे लाहौर के दौरान शहजादा विलियम और कैट मिडलटन नेशनल क्रिकेट अकेडमी भी जाएंगे, जबकि बरतानवी शाही मेहमान 17 अक्टूबर को चित्राल जाएंगे। कुछ बात करेंगे, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि मैंने एक दमड़ी की भी करप्शन नहीं की, मुझे काला पानी या ग्वांतानामो भी ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं, मुझे डर नहीं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत लाहौर ने कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 25 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना था कि मैं तो वैसे ही पहले से जेल में हूँ, एक और मुकदमा दर्ज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नवाज शरीफ का कहना था कि मैंने एक दुमड़ी की भी करप्शन नहीं की, मुझे काला पानी या ग्वांतानामो भी ले जाना चाहते हैं तो ले जाए, मुझे डर नहीं। उन्होंने कहा कि हम मौलाना फजल रहमान के आजादी मार्च की मुकम्मल हिमायत करते हैं, मौलाना की बात को रद्द करना गलती थी। मौलाना साहब ने इलेक्शनों के फौरन बाद जो है चलते चले सर कि आप कर रहे अपना जो है वो इस्तीफे दें असेंबली से। उन्होंने कहा था कि हम एहतजाज करें, उस वक्त हमने उनको कायम किया कि नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी बात में उस वक्त वजन था, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब की बात को रद्द करना बिल्कुल गलत होगा। मैंने शहबाज शरीफ साहब को लिखकर भेजा है, कल सारा कुछ मैंने उनको बताया है, वो मेरा ख्याल वो ब्रीफ करेंगे। हम मौलाना साहब के जज्बे को भी बहुत सराहते। नफरत अंगेज तकरीर के केस में बानी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MQM अल्ताफ हुसैन पर बरतानिया की अदालत ने सख्त पाबंदियाँ आयद करके उनकी जमानत को मशरूत कर दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अदालत में बानी MQM की सख्त शराइत के साथ जमानत मंजूर कर ली गई। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक बानी MQM की जमानत पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुखालफत की गई थी। प्रोसिक्यूशन ने जमानत की शराइत पर इत्तेफाक किया, जिसके बाद बानी MQM की जमानत मंजूर कर ली गई थी। अदालत का कहना है कि बानी MQM रात 12 से सुबह 9 बजे तक पाबंदी में रहेंगे, उन पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। बानी MQM सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर तहरीर और तकरीर की पाबंदी होगी। अदालत ने मजिस्ट्रेट कोर्ट एक्ट के तहत रिपोर्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी। बानी MQM की आइंदा पेशी 1 नवंबर को सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में होगी, उनका पासपोर्ट भी पुलिस की तहवील में रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक बानी MQM के टखने पर GPS ट्रैकर लगा दिया गया है। उनके टखने पर GPS ट्रैकर नाइट कर्फ्यू यकीनी बनाने के लिए लगाया गया है। याद रहे कि 12 सितम्बर को लंदन में बानी MQM को सदक पुलिस स्टेशन में तलब किया गया था, जहाँ उनकी जमानत में दूसरी बार तौसी की गयी थी और नफरत तकरीर से मुतालिक पूछगछ की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक शराइत के तहत बानी MQM किसी इज्तिमा से खिताब नहीं कर सकते हैं, शाम से सुबह तक घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। बानी MQM के बरतानिया से बाहर जाने पर भी पाबंदी है। कराची में कम्युनिटी पुलिस के सेमिनार में डॉक्टर कलीम इमाम ने इंकशाफ करते हुए बताया कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने उनके भाई भतीजे और सास को भी लूटा है। बड़े जराइम कंट्रोल कर लिए, लेकिन स्ट्रीट क्राइम का मसला बाकी है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। में कम्युनिटी पुलिसिंग से मुतालिक NGO के तहत निजी होटल में वर्कशॉप का अहतमाम किया गया। वर्कशॉप का मकसद पुलिस के किरदार को आवाम से मजीद करीब करना था। कराची में कम्युनिटी पुलिस के सेमिनार में डॉक्टर कलीम इमाम ने इंकशाफ करते हुए बताया कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने उनके भाई भतीजे और सास को भी लूटा है। बड़े जराइम कंट्रोल कर लिए हैं, लेकिन स्ट्रीट क्राइम का मसला बाकी है। तकरीब से खिताब करते हुए IG सिंह ने कहा कि मैं भी कराची में रहता हूँ, मेरी सास से जेवर उतार लिया गया, सोचे मेरी अज़दवाजी जिंदगी
जिंदगी कैसी होगी। भाई और भतीजे भी लुट चुके हैं। आज सिंध का कहना था कि शहर में बड़े जराइम को कंट्रोल किया है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम की दूसरी वजूहात भी हैं, उन वजूहात को एड्रेस करना भी जरूरी है। सैयद कलीम इमाम का कहना था कि पुलिस बहुत काम करती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा होता है कि तनकीद शुरू हो जाती है। पुलिस के हवाले से लोग कहते हैं कि हम ठीक नहीं, पैसे लेते हैं, तफ्तीश ठीक नहीं करते। हम में ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसा काम कर जाते हैं, या बाज़ दफ़ा उसकी पज़ीराई नहीं होती कि हम बीच में ही वी रिमेन डॉल्ड्रम्स एंड वी कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर। हमारे बारे में जनरल तसव्वुर ये है लोगों का कि हम अच्छे नहीं हैं, काम नहीं करते, और हम लोग मिल जाते हैं, तफ्तीश ठीक नहीं करते, पैसे लेते हैं, हमारे बारे में लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। दोष भी होगा और हो सकता है ऐसे लोग भी हों, लेकिन हमारे हम भी लोगों के बारे में कोई राय रखते हैं कि आप हमारे साथ तआवुन नहीं करते, हमें बताते नहीं हैं, गवाही नहीं देते हमें, आप मुआवजा सही नहीं देते, और जो हमें चीज़ों की ज़रूरत है हमें उस तरह चीज़ें नहीं मिल रही। तो सारी उम्र हमारी 31 साल हो गए मेरे, और इस कशमकश में हम गुजरते रहें कि हम क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए और हमारी दुश्वारियाँ क्या क्या हैं, मज़ीद हम काम कैसे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन उनका कहना था कि दूसरी जानिब पुलिस का आवाम के बारे में ख्याल है कि तआवुन नहीं करते, इतला नहीं देते, गवाही नहीं देते। मैं पुलिस फोर्स से कहूँगा कि ऐसा रवैया अपनाएं कि लोग करीब आएं। मैं एज एन आई जी मेरा काम क्या है, मेरा काम यह है कि मैं अपनी फोर्स को मोटिवेट करूँ, मैं उनको रिसोर्स दूँ, मैं उनकी ऑडिट और इंस्पेक्शन करूँ, मैं उनको एनवायरमेंट दूँ, मैं उनकी वेलफेयर का ख्याल रखूँ। मेरा काम है बर्ड आई व्यू लेना कि क्या हो रहा है, फिर मेरा काम ये भी है कि मैं फ़िश आई व्यू लूँ, नीचे भी तह तक चला जाऊँ कि क्या हुआ इस मामले में। मेरा ये काम है, मेरा ये जो डॉक्यूमेंट्री चली है, एक तो इस किस्म के प्रोग्राम में मैं इसलिए भी आता हूँ कि शील्ड मिलती है और डॉक्यूमेंट्री भी अच्छी चलती है, लेकिन मेरा बुनियादी काम ये है, या मेरी कोई भी अगर तारीफ़ करता है तो मेरी तारीफ़ नहीं है, वो मेरे लोगों की तारीफ़ है। बेसिकली ये वो लोग हैं जो कि काम करते हैं, वो कहते हैं ना कि जंगें जो हैं सिपाही जीतते हैं और जनरल जो हैं वो शाबाशी लेते हैं, और बहुत से जनरल बाद में सदर भी बन जाते हैं, जैसे दिगौल बन गए और बहुत सारे बन गए। तो काम ये करते हैं, तो अगर कोई मेरा अच्छा काम नज़र आता है या कोई है तो वो मेरी टीम का काम। अफगान कौंसल जनरल मोहम्मद हाशिम नियाजी ने कहा कि अफगान मलकती मार्केट से झंडा उतारा गया, दुकानदारों को मारा गया, इसलिए हमने कौंसल खाना बंद कर दिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगान कौंसल जनरल का कहना है कि पेशावर में अफगान कौंसल खाना बंद कर दिया गया है। अफगान कौंसल जनरल मोहम्मद हाशिम नियाजी ने कहा कि अफगान मलकती मार्केट से झंडा उतारा गया, दो दुकानदारों को मारा गया, इसलिए हमने कौंसल खाना बंद कर दिया है। हमने पिछली बार भी झंडा उतारे जाने पर कहा था कि अगर ये झंडा दोबारा उतारा गया तो कौंसल खाना बंद कर देंगे। अफगान कौंसल जनरल का कहना था कि हम इस इकदाम की शदीद मुज़म्मत करते हैं, हालात हसास हैं, ऐसे वक्त में ऐसा नहीं करना चाहिए था, कब्जा माफिया को रोका जाए, पाकिस्तान को फैसला वापस लेना चाहिए और इसका सिफारती सतह पर हल तलाश करना चाहिए। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। टैग टीवी ब्रिंग्स यू डेली न्यूज बुलेटिन फ्रॉम पाकिस्तान, ब्रेकिंग न्यूज, व्यूज एंड हेडलाइंस फ्रॉम पाकिस्तान। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ, वो लोग आपके लिए हार लेके नहीं खड़े, जब तक इंशाल्लाह उनको आजादी नहीं मिलेगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा, कोकब फारूकी, जुल्फिकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान।